तो दोस्तों, अब तो आप सभी को पहले पता चल ही गया होगा, सुबह उठते ही हमें पानी पीना है। मैं गर्म पानी पीती हूँ, आप किसी भी तरह का रूम टेम्परेचर का भी पानी पी सकते हैं। उससे 10 से 15 मिनट के बाद आज मैंने खाया वाटरमेलन। इस तरीके का अगर हम फ्रूट खाते हैं ना, तो हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहता है। अब हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट में। तो ब्रेकफास्ट में मैंने आज ये बनाया मसाला ओट्स, और आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी कितनी कम है। तो आपको इसी तरीके से खाना है। अब हम आ गए हैं लंच में। लंच में मैंने सिंपल खाना जो हम घर पे खाते हैं वो बनाया है। तो दो चपाती, जिसमें मैंने देसी घी डाला है, आलू की सब्जी है, और थोड़ा सा कर्ड भी लेना है इसी के साथ। इवनिंग स्नैक्स आ गए हैं। इवनिंग स्नैक्स में आप चाहे तो कॉफ़ी ले सकते हैं, चाहे तो चाय ले सकते हैं। मैं कॉफ़ी लवर हूँ, इसलिए मैंने कॉफ़ी ली है। उसी के साथ दोस्तों, ये देखिए बिस्किट मैंने लिया है। मैं आपको सच बताऊँ, मैं लाइफ में कभी मीठी चीज़ें नहीं खाती, पर ये ओट्स वाला बिस्किट था, बहुत कम चीनी थी, इसलिए मैंने इसे लिया है। अब हम आ गए हैं डिनर में। डिनर हम बाहर खाएंगे, क्योंकि हम बाहर गए थे घूमने के लिए। तो ये देखिए, मैंने इतना सारा इसमें से ढूंढा, तो इसमें से मैंने सबसे हेल्दी चीज़ ऑर्डर की है। याद नहीं आ रहा मुझे मैंने क्या ऑर्डर किया था, पर ये जो सैंडविच था ये ब्राउन ब्रेड से बना था। इसके अंदर बहुत सारी वेजीज थी, जिसमें ग्रीन सैलेड था और ना टमाटोज थे, और इसी के साथ फ्रेंच फ्राइज भी आया था। तो फ्रेंच फ्राइज मैंने बिल्कुल नहीं खाया। फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, बहुत तेल होता है, और आलू को जैसे ही हम फ्राई कर देते हैं ना, तो उसकी सारी गुडनेस चली जाती है। तो ये देखिए, ये इस तरीके का सैंडविच हमारे पास आया था। शायद ये फ्रेंच टोस्ट था, हाँ नाम याद आ गया। तो अब हम ये फ्रेंच टोस्ट एंजॉय करेंगे। जब भी आप कोई भी मील लें, तो आप मेक श्योर करें कि आप उसे 32 टाइम चू करके खाएं। तो इसमें से मैंने सिर्फ दो सैंडविच ही खाए थे, और जितना भी ये जो बाकी का है, ये सब मेरी फ्रेंड्स ने खाया था। तो चलिए अब हम इसको एंजॉय कर लेते हैं। तो आप देख ही सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स है और चीज़ है। चीज़ दोस्तों आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जैसा कि बहुत लोग बोलते हैं कि चीज़ में फैट होता है, पर ऐसा नहीं होता है। चीज़ आप ले सकते हैं, ये थोड़ा हेल्दी आइटम में आ जाता है। अब आ गए हम संडे में। तो मैं संडे का आपको बता रही हूँ कि संडे हम बाहर घूमने गए थे, हम सज्जनगढ़ घूमने गए थे, जो कि उदयपुर में है। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं, उनको पता है कि मैं कुछ टाइम के लिए उदयपुर गई थी। तो ये जो नेक्स्ट वीडियो है, ये संडे का है, तो इसी वीक के अंदर था, इसलिए मैंने इसे डाल दिया है। और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। और जो लोग अभी सज्जनगढ़ जाने का सोच रहे हैं, मैं उनको बता दूँ कि अभी मत जाइएगा। ये देखिए नीचे का व्यू है, तो इससे हम ऊपर जाते हैं, यहाँ पे हम टिकट लेते हैं। और जो लोग अभी सज्जनगढ़ जाने का सोच रहे हैं, वो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि अभी वो कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। पर अगर आप वहाँ का वेदर और आउटिंग आपको पसंद है, या आपको उधर की सीनरी वीनरी देखनी है, तो आप जा सकते हैं। तो ये देखिए, ये वो रास्ता है जहाँ से हम जाते हैं, और इधर से हम पूरा जाएंगे ऊपर तक। ये देखिए दोस्तों, ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पे हम अपनी पार्किंग रख देते हैं। और ये देखिए, ये व्यू है सज्जनगढ़ के ऊपर जाने का। ये देखिए बहुत ही प्यारी प्लेस है, और ये इसका टॉप व्यू है।
मतलब एकदम पहाड़ों वाली फीलिंग आ रही थी। अब वैसे ही मैं पहाड़ी इंसान हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे इस तरीके से, और अगर आपको ये ड्रेस लेनी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहाँ से मैंने ली थी आप भी ले सकते हैं। पिछली बार मैं इस तरीके की किसी प्लेस में गई थी ना, तो मैं हील्स पहन के गई थी, तो इस बार मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि मुझे हील्स नहीं पहनना है, फ्लैट पहनना है। और ये उसके अंदर का है, यहाँ से हम अंदर जाते हैं और ये आप देख ही सकते हैं पूरा कंस्ट्रक्शन में चल रहा है अभी ये। ये देखिए अंदर का व्यू है, तो अंदर का व्यू तो अभी काम वाम चल रहा है, पर मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ क्योंकि बाहर बहुत ही अच्छा व्यू था। और जितने मज़े बाहर आए ना उतने अंदर नहीं आते, और मुझे ऐसा लगता है जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं ना वो बाहर का व्यू देखने के लिए आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ बाहर ही थे। यहाँ पे इतनी अच्छी हवा आ रही थी ना उस टाइम, मेरे अंदर से ना ये वाला गाना गाने का मन कर रहा था। इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर, यूं तो कहीं दिल ना लगाया हमने किसी से, किससे सुने हैं यूं तो कहीं। बहुत ही प्यारी जगह थी। अब ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ का ग्रीन एरिया पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ था। तो मुझे पता है ये वाला वीक का वीडियो आप लोगों के साथ बहुत लेट आया है, उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से सॉरी चाहती हूँ, क्योंकि अभी अभी मैं फ्री हुई हूँ और अब से रेगुलर वीडियो आएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और दिए गए बेल आइकन को प्लीज़ 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 लाइक कर लो, ताकि आपको मिले मेरी वीडियो सबसे पहले। बाय फ्रेंड्स, वापस मिलूंगी ऐसे ही एक नए और इनोवेटिव वीक के साथ।